हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं चैनल आपका स्वागत है। तो इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लेक्चर का SSD। ये एक 512 GB का SSD है। आइए देखते हैं इसको कैसा है, इसका रिव्यू देखते हैं। वैसे मैंने इसे लगा पहले एक बार, हाँ बताने से पहले अपने लैपटॉप लगा के चेक कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। आपको ट्रू SSD की फीलिंग मिलेगी इस पर। बस ये है कि मैंने इसमें जो OS है वो कॉपी किया हुआ है। ये है लेक्चर का फर्स्ट लुक। इस तरह से पैकिंग में आता है ये। जब पैकिंग निकलेगा तो ये लेक्चर का, इसके साथ एक क्विक गाइड मिलेगा आपको। ये बहुत काम का, इसे संभाल के रखिएगा, क्योंकि इस पे यहाँ पे कि देखेंगे आप 3 साल की वारंटी है, तो कुछ वारंटी टर्म एंड कंडीशन है उसके लिए काम आएगा। तो इसको फेंकने के बजाय संभाल के रखिएगा। यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स में देखिएगा यहाँ पे इसकी ट्रांसफ़र स्पीड दी हुई है। ये 2.5 इंच का साटा SSD है। 6 GBPS स्पीड बता रहा है ये, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जो स्पीड मिलता है, ट्रांसफ़र रेट है, 520 MBPS के आसपास है। ऑनलाइन प्राइस में काफ़ी डिफरेंस रहता है। ये ऑफलाइन मार्केट से मैंने परचेज़ किया इस बार। ऑफलाइन मार्केट में इसकी उस दिन इसकी कीमत थी 4300 रुपये, 4300 रुपये। ऑनलाइन प्राइस कहीं दिखाई नहीं रहा है, और कहीं अगर मेंशन हो रहा है तो इतना ज़्यादा प्राइस दिखा रहा है कि इसे लेना तो एक अलग ही तरीके का है। तो काफ़ी हल्का है ये, पर इतना बढ़िया है कि कैडी में फिट हो जाता है। ये है देखिए, ये नॉर्मल कैडी है जो लैपटॉप में लगती है। हाँ, अपना जो CD ड्राइव है उसकी जगह। तो यहाँ पे बस क्या करना है आपको, यहाँ पे रख के इसको आसानी से इधर पुश कर दे रहे हैं। ये हल्का से पुश कर दिया आपने तो ये SSD आपकी कैडी में लग गई। अब कैडी में लगाने के बाद इसको स्क्रू टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद इसको आप लैपटॉप में लगा के, जो आपका OS फाइल है विंडो का, चाहे तो उसकी कॉपी बना सकते हैं आप, माइग्रेट कर सकते हो इसको, या तो फिर डायरेक्ट लैपटॉप पे लगा के इस पर फ्रेश आप OS इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि जब आप SSD पे आपका OS ट्रांसफ़र हो जाएगा तो SSD को कैडी में लगा के, जब लैपटॉप पे जो प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है लगाने का, आप वहाँ इसे लगाइए और ट्राई करिए। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।